आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमार 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के लिए बहुत ही शोभा के बात है कि आज महतारी बंदन योजना के शुरुआत करे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमारे बीच में उपस्थित होगी ने। मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मो बहनी और महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी बंदन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंदन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रूपये का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं बहनों बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंदन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है, इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।